के जम्मू कश्मीर में 5 चुनावी रैलियां। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश में होटल और खाने पीने की दूसरी जगहों पर मालिक के नेम प्लेट लगाने का मामला कांग्रेस में भी उलझ गया। दरअसल राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को इस मसले पर दिल्ली बुलाया गया। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लिए गए फैसले का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए हाईकोर्ट ने जो पहले आदेश दिए हैं उसी के मुताबिक इंतजाम किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने उधमपुर समेत 5 जगहों पर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने घाटी में आतंकवाद के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे। सुप्रीम कोर्ट बार की तर्ज पर अब दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में भी महिला वकीलों को 1/3 से ज्यादा सीटों पर आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर अब जिला अदालतों के बार चुनाव में भी दिख सकता है। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये बात खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कही। उनके मुताबिक पार्टी सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही देवेंद्र यादव ने राजधानी में पानी की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। भारत ने अपने नागरिकों से तुरंत लबनान छोड़ने को कहा है। दरअसल इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस समेत दूसरे देशों ने जंग रोकने की मांग की। विवादों में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल यूपी और हरियाणा में दोनों की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई। एल्विश और फाजिल पुरिया सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के मामले में घिरे हुए हैं। यूपी के नोएडा में कुछ युवकों को गाड़ी से स्टंट करना और हथियार लहराना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गाड़ी का 26,000 रुपए का चालान काट दिया। साथ ही वो आरोपी युवकों की पहचान करने के प्रयास में जुटी हुई है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।